गुड इवनिंग नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का आयुषी जी जय श्री महाकाल जी गुड इवनिंग स्वागत है दुर्गा जी गुड इवनिंग शिखा जी जय श्री सीताराम ज्योति जी गुड इवनिंग आपका भी स्वागत है देवेंद्र जी गुड इवनिंग स्वागत है जी राधे राधे स्वागत है आपका भी आप सभी लोगों का स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म में प्रतिमा जी राधे राधे तो अन में एक नई कैटेगरी लॉन्च की गई है वो है नॉर्थ इंडिया स्टेट एग्जाम कैटेगरी एक ही कैटेगरी में आप उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान मध्य प्रदेश हरियाणा और झारखंड राज्यों की तैयारी कर सकते हैं आपको अलग अलग कैटेगरी चुनने की आवश्यकता नहीं है उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो बिहार पीसीएस या बिहार का कोई भी एग्जाम हो राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो और मध्य प्रदेश का हो हरियाणा और झारखंड का कोई भी एग्जाम हो केवल एक ही सब्सक्रिप्शन से आप इनकी तैयारी कर सकते हैं इसके अलावा वन डे और टीचिंग एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं परिवार की ओर से उन सारे लर्नर्स को बहुत सारी शुभकामनाएं जो एम पी में सेलेक्ट हुए हैं जो टॉप टेन है एमपीपीएससी में सेलेक्टेड टॉप टेन लोग हैं उनमें से छ अनकेडमी परिवार से हैं और रैंक तीन रैंक पांच रैंक छह और छह आठ और दस इन रैंक्स में जो लोग हैं वो अन हैं इसके अलावा सौ से अधिक सिलेक्शन हुए आप चौबीस महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो नौ हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए में बारह महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आठ हजार चार सौ निन्यानवे में छह महीने का लेते हैं अगर आप छह हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए में और तीन महीने का लेते हैं अगर आप सब्सक्रिप्शन तो चार हजार आठ सौ निन्यानवे रुपए ये केवल छह जनवरी तक के लिए ऑफर है आप इसको आज ही अवेल कर सकते हैं रानी जी गुड इवनिंग स्वागत है हाय आयुष जी स्वागत है आपका भी आप सभी लोगों का स्वागत है इसके अलावा कुछ नए बेचेस लॉन्च किए गए हैं जिनकी बात हम आपसे बाद में करेंगे अभी हम आते हैं अपने लेक्चर पर अपना हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं शुरुआत करते हैं शुभारंभ करते हैं प्रारंभ करते हैं चलिए महाकाल के भक्ति जी गुड इवनिंग मैं अच्छा हूं तनु जी बढ़िया हूँ शुरुआत करते हैं शुभारंभ करते हैं प्रारंभ करते हैं ये देखिए ये आपके सामने है पृथ्वी आपके सामने है अर्थ इस पृथ्वी में इस अर्थ में अगर मैं थोड़ा सा नीचे साइड आऊ यहां पर और नीचे कितना नीचे सर ये वाला जो पानी दिख रहा है ये इंडियन ओशन है आज हम एक नए कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं करने वाले हैं अगर हम और नीचे आ जाए यहां पर और नीचे आ जाए अगर हम तो आपको एक नया कॉन्टिनेंट मिलेगा वो है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट वो है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका महाद्वीप ये ये कॉन्टिनेंट मैं इसकी बात कर रहा हूँ ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये पृथ्वी के सबसे नीचे साइड है यानी साउथ पोल में दक्षिणी ध्रुव में है ये और ये आपको व्हाइट क्यों दिख रहा है ये आपको व्हाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें है बर्फ बहुत सारी बर्फ है थोड़ी बहुत नहीं बहुत सारी बर्फ है इसमें टॉली जी गुड इवनिंग जय श्री कृष्णा प्रिया मिश्रा जी स्वागत है आपका भी तो इसमें बहुत सारी वर्ब्स हैं अगर ये देखिए ये है साउथ अमेरिका ये है नॉर्थ अमेरिका एक मिनट थोड़ा सा पृथ्वी को सीधी कर दें और इधर आपको मिल जाएगा एशिया एशिया में मिल जाएगा ये है इंडिया ये है इंडिया भावना जी गुड इवनिंग आप ध्यान से देखना ये है इंडिया जब आप ऊपर साइड जाओगे नॉर्थ साइड जाओगे तो आपको मिलेगा आर्कटिक आर्कटिक सर्कल ये वाला एरिया ये जो आपको बर्फ दिख रहा है ये है आर्कटिक लेकिन ये कोई कॉन्टिनेंट नहीं है क्यों कॉन्टिनेंट नहीं है तो कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्थान को कॉन्टिनेंट कहलाने के लिए कई सारी शर्तें होती हैं कुछ शर्तों के आधार पर हम किसी एक स्थल भाग को कॉन्टिनेंट कहते हैं महाद्वीप कहते हैं तो आर्कटिक जो ऊपर वाला नॉर्थ पोल वाला जो रीजन है ये कोई कॉन्टिनेंट नहीं है जो कि इसका आकार बहुत छोटा है और जबकि आकार कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए चाहिए मिलियन से अधिक भावना जी 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 गुड 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 इवनिंग 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 स्वागत है आज थोड़ा सा बोलने में दिक्कत है तो मतलब अगर कहीं पर शब्दों में मिस्टेक होती है तो आप ऐसा समझिएगा कि बोलने में दिक्कत है उस वजह से शब्दों में बोलने में मिस्टेक होगी ठीक उस ढंग से प्रॉपर क्लियर ढंग से नहीं बोल पाऊंगा मैं चलिए तो ये देखिए आप नीचे ये है जो साउथ पोल वाला रीजन है हाँ हाँ जी ये जो साउथ पोल वाला रीजन है दक्षिणी ध्रुव वाला जो रीजन है इस दक्षिणी ध्रुव में आपको ये जो दिख रहा है ये है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट ये है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट ये ठीक इस अंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट को अगर हम कहें कि ये साउथ पोल के इर्द गिर्द सिचुएटेड है दक्षिणी के आसपास स्थित है ये। जी, जी नहीं नहीं तबीयत ठीक है एक्चुअली मुंह में, में बहुत ज्यादा छाले हैं और उन छालों की वजह से मैं ज्यादा बात नहीं कर पा रहा हूं अगर बात करता हूं तो दर्द होता है पेन होता है तो इतना क्लियर है थोड़ा सा हम इसके बारे में बात बाद में करते हैं ग्लोब में देखो अगर आप वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखो ये वर्ल्ड मैप है विश्व का मैप है मैंने आपको बताया था कल भी बताया था इससे पहले भी मैंने बताया था कि पृथ्वी में वर्तमान में सात महाद्वीप हैं सात सेवन कॉन्टिनेंट है एक फ्यूचर वाला कॉन्टिनेंट मैंने कल बताया था एट्स नंबर का जीलैंडिया बताया था हाँ हाँ जी जी थैंक यू ये है नॉर्थ अमेरिका ऊपर साइड है ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट ये नीचे वाला है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट ये साउथ अमेरिका है ऊपर वाला यह नॉर्थ अमेरिका है यहाँ पर है अफ्रीका कॉन्टिनेंट यह है अफ्रीका कॉन्टिनेंट अफ्रीका कॉन्टिनेंट है यहाँ पर जो ऊपर हल्का सा दिख रहा है यह है यूरोप कॉन्टिनेंट यूरोप महाद्वीप और ये जो आपको बड़ा दिख रहा है ये है एशिया कॉन्टिनेंट एशिया महाद्वीप एशिया कॉन्टिनेंट है और ये जो नीचे साइड दिख रहा है ये है ऑस्ट्रेलिया अब अगर आप काउंट कर लें आरती जी गुड इवनिंग अगर आप काउंट कर लें तो अभी तक में टोटल छह कॉन्टिनेंट हुए एक, दो, तीन, चार, पांच और छ एक सातवां जो कॉन्टिनेंट है वो नीचे साइड जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है ये वाला यही है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जो कि अभी मैं आपको ग्लोब में दिखा रहा था सबसे नीचे साइड सबसे नीचे साइड आपको ग्लोब में दिखा रहा था ये वही वाला कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट ये एक्चुअली में यहां पर इतनी बर्फ है इतनी ज्यादा बर्फ है कि यहां पर लोग रहते ही नहीं और लोग नहीं रहते इसीलिए ये वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर कोई भी कंट्री नहीं है कोई देश नहीं है आपने देखा होगा आपने मैं आपको पढ़ा रहा था ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैंने आपको देश बताए थे कंट्रीज बताए थे आप नॉर्थ अमेरिका पढ़ोगे तो उसमें भी आप कंट्रीज पाओगे साउथ अमेरिका पढ़ोगे उसमें भी कंट्री मिल जाएंगे आपको आप अफ्रीका पढ़ोगे तो उसमें भी कंट्रीज मिल जाएंगे देश मिल जाएंगे एशिया में भी देश मिल जाएंगे यूरोप में भी देश मिल जाएंगे लेकिन आपको अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में कोई देश नहीं मिलेगा ऐसा क्यों है क्योंकि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में पहली चीज तो बहुत ठंड है दूसरी चीज ये कि यहां पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जब इस पर कब्जा करने की बात आई जैसे अमेरिका रूसिया ये कब्जा करना चाह रहे थे नॉर्वे जर्मनी फ्रांस ये कब्जा करना चाह रहे थे तो फिर बाद में इनके बीच में एक बैठक हुई और बैठक हुई और उन्होंने कहा कि इस पर अधिकार किसी का ना हो इस पर अधिकार किसी का ना हो क्या क्लास स्टक हो रही है क्या क्लास रुक रही है ऐसा है एक मिनट का समय दीजिए एक मिनट का समय दीजिए क्लियर है अच्छा क्लियर है ठीक है मुझे लगा क्लासेस रुक रही हैं क्योंकि मेरे मोबाइल पे ऐसा दिख रहा था कि क्लासेस रुक रही थी इसलिए मैंने किया ठीक है ठीक है क्लियर है कोई दिक्कत नहीं अब ये जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है ये जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है नीचे वाला इस पर पहली चीज तो कोई कंट्रीज नहीं है दूसरी चीज ये कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है यहाँ पर जो जनसंख्या है वो लगभग एक हजार है इस पूरे कॉन्टिनेंट में मतलब आप इमेजिन करिए कोई एक महाद्वीप को जिस महाद्वीप में ठंडी के मौसम में पॉपुलेशन एक हजार हो और गर्मी के मौसम में पॉपुलेशन पांच हजार हो फाइव थाउजेंड हो ठीक अगर ऐसा हो तो मतलब ये कॉन्टिनेंट ऐसा कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जो है तो बड़ा एरिया में बहुत बड़ा है लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है अब आप बोल अब आप पूछ सकते हो कि सर आप ये बताइए आपने अभी जस्ट कहा कि इस कॉन्टिनेंट पर किसी कंट्री का अधिकार नहीं है और इसके अंदर कोई देश नहीं है तो यहां पर पॉपुलेशन आई कैसे जनसंख्या आई कैसे तो मैं बताता हूं क्या किया कि जब यह पता चला कि इस कॉन्टिनेंट में कोई भी नहीं है कोई कंट्री नहीं होते हुए देशों के बीच में तो फिर यह कहा गया कि चूंकि ये वाला एरिया बहुत वीरान है बहुत वीरान है यहां पर लोग नहीं है तो क्यों ना यहां पर हम ऐसा कर दें कि यहां पर हर एक कंट्री अपना अपना अनुसंधान केंद्र खोल दे एक तो अंटार्कटिका में अनुसंधान करने लगे अंटार्क्टिका में क्या क्या चीजें हैं इस पर अनुसंधान करने लगे दूसरा ये कि अदर चीजों पर भी अनुसंधान करने लगे रिसर्च करने लगे दूसरी चीजों पर जैसे क्लाइमेट चेंज पर और भी बहुत सारी चीजों पर यहां पर हम रिसर्च करने लगे ऐसा करने लगे ठीक तो ये समझौते हुए और जब रिसर्च सेंटर खोले गए तो यहाँ पर साइंटिस्टों को भेजा गया वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक आए यहां पर भारत के वर्तमान में दो एक्टिव रिसर्च सेंटर हैं वैसे टोटल तीन थे लेकिन एक अभी नहीं है एक्टिव नहीं है जबकि बिल्कुल वीरान जगह है जबकि यहां पर दो रिसर्च सेंटर हैं वर्तमान में हम उनकी बात करने वाले हैं आगे चलकर अब आप इसको ध्यान से देखो ये व्हाइट कॉन्टिनेंट है व्हाइट कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं इसको क्योंकि ये बर्फ से ढका हुआ है सर क्लास अटक रही है क्या क्लासेस सच में अटक रही हैं क्या क्लासेस सच में रुक रही हैं बताइए क्लासेस सच में अटक रही हैं क्या क्लास तो मेरे मोबाइल पे भी अटक रही है अभी बताइए अभी ठीक है आज वेदर ठीक नहीं है मौसम ठीक नहीं है मौसम खराब है इस वजह से क्लासेस अटकेंगी आ रहा ज्योति जी आ रहा है अभी ठीक है रितु जी गुड इवनिंग अभी ठीक है अब अब इशू नहीं होगा शायद अब इशू नहीं होना चाहिए चलिए तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं देखो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में सामान्यतः बर्फ बहुत है बहुत ज्यादा बर्फ है कितनी बर्फ है मैं आपको दिखा ही देता हूं अगर हमें परमिशन मिल गई वहां पर लैंड करने की जाने की तो तो हम आपको दिखा देंगे और अगर नहीं मिलेगी परमिशन तो हम कैसे दिखाएंगे फिर आपको तो उतरने की परमिशन नहीं है मेरे पास इसलिए हम नहीं उतर पा रहे हैं प्रयास करेंगे एक दो बार और देखो एक चीज और इसमें जो बर्फ की लेयर्स हैं जो आईसीड हैं जो बर्फ की लेयर है वो बर्फ की लेयर की जो मोटाई है वो लगभग एक किलोमीटर से लेकर पांच किलोमीटर तक की मोटाई है एक किलोमीटर से लेकर पांच किलोमीटर तक की उसकी थिकनेस है बर्फ की और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में इसी अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में इसी अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में 98 परसेंट एरिया बर्फ से कवर्ड है आइस से कवर्ड है जबकि इसका लगभग टू परसेंट एरिया ऐसा है जो गर्मी के मौसम में बर्फ पिघल जाती है और बाहर निकल आता है ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है ना ये कहलाता है पेनेंसुला ये प्रायदीप है और ये पेनेंसुला कौन सा है ये कौन सा प्रायद्वीप है मैं आपको दिखाता हूं कौन सा प्रायद्वीप है ये ये देख रहे हैं आप ये कहलाता है पाल्मर पेनेंसुला पाल्मर प्रायद्वीप ये वाला रीजन ये ये पाल्मर पेनेसुला है ये पाल्मर पेनेंसुला ऐसा है जो दो परसेंट एरिया है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का और जो कि गर्मी को मौसम में बाहर आ जाता है स्थल भाग निकल आता है यहाँ पे जबकि इसमें नाइनटी एट परसेंट एरिया में इस सारे एरिया में लगभग vale लगभग 98 परसेंट एरिया में बर्फ से कवर्ड है आइस से कवर्ड है ये और इसलिए चूंकि ये वाइट दिखता है इसलिए इसको वाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं और इसको अगर एरिया की दृष्टि देखें तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट भी है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल भी है चूंकि ठंड है यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और विश्व का ठंडा मरुस्थल भी है यहाँ पर सर पानी कितना गिरता है तो लगभग 200 मिलीमीटर mm गिरता है यानी एप्रोक्स आप मान सकते हो कि 20 सेंटीमीटर के आसपास 20 सेंटीमीटर के आसपास पानी गिरता है और आपको पता है कि जहां पर 23 सेंटीमीटर से कम पानी गिरता है जिस भी एरिया में 23 सेंटीमीटर से कम पानी गिरता है वो वाला एरिया डेजर्ट होता है मरुस्थल होता है डेजर्ट है ये मरुस्थल है ये डेजर्ट है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है डेजर्ट है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोल्डेड डेजर्ट है यानी ठंडा मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा अगली चीज ये कि इसका इसकी हाईएस्ट पीक क्या है इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है सुनीता जी नमस्ते गुड इवनिंग इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो अगर आपके पास एटलस 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 है इतलस है तो में अंटार्कटिका और आर्कटिक वाला पेज खोल के आप यहां आ सकते हैं यहां पर है माउंट विंसन मैसिक 4897 मीटर यह सबसे ऊंची चोटी है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में गर्मी के मौसम में लगभग 5000 साइंटिस्ट रहते हैं जबकि ठंडी के मौसम में लगभग 1000 साइंटिस्ट होते हैं अब आप बोलोगे सर गर्मी ठंडी कैसे आ गई यहाँ पर यहाँ पर तो बर्फ ही बर्फ है यहाँ गर्मी कैसे आती होगी तो गर्मी का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल ऐसा नहीं कि लू चलने लगेगी गर्मी का मतलब यह है कि यहां पर जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा बस इतना ये कब होगा सर किस स्थिति में होगा किस कंडीशन में होगा मैं जस्ट बता रहा हूं आपको वेट करना है मैं बता रहा हूं देखो आपको मैंने पढ़ाया था आपको मैंने बताया था कि ये जीरो डिग्री है ये जीरो डिग्री अक्षांश रेखा है जिसको विश्वत रेखा कहते हैं इस साइड नीचे साइड है ऑफ कैप्रिकॉन आपको मैंने पढ़ाया था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको मकर रेखा कहते हैं और ऊपर साइड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको आप कर्क रेखा कहते हैं है ना अब अगर आप आपको मैंने बताया था कि लगभग 22 दिसंबर की वो डेट है जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती है मकर पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कहां पड़ती हैं यहां पर क्या इसकी आंच थोड़ी भी अंटार्कटिका पर नहीं पड़ती होगी पड़ती होगी तो जो दिसंबर का महीना है ना वो अंटार्कटिका की गर्मी है मान लीजिए और जो 21 जून का समय है जून का, का महीना से सबसे ज्यादा दूर की किरणें होती है तो इस टाइम पे भयानक ठंड पड़ती है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में ठीक अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में इस टाइम पे भयानक ठंड पड़ती होगी बहुत खतरनाक ठंड पड़ती होगी यहां पर इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब गर्मी का मौसम आता है यानी दिसंबर का महीना जब आता है लगभग लगभग तो दिसंबर के महीने में यहां पर बर्फ पिघल जाती है पालमर पेनेसुला के आसपास यहां पर और दो परसेंट एरिया यही यहां पर जहां पर स्थल भाग निकल आता है और यहां पर मतलब जो अदर पार्ट है जो अदर स्थान है यह एरिया तो लगभग लगभग बारह महीने कवर रहता है और ये नाइन्टी एट परसेंट अब क्या हम ये कह सकते हैं कि जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वो साउथ पोल के चारों साइड सिचुएटेड है तो बिल्कुल अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है ये सेंटर में जो आपको दिख रहा है ये सेंटर में ये है साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव यहां पर लिखा भी हुआ है देखो साउथ पोल लिखा हुआ है यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव लिखा हुआ है तो साउथ पोल के चारों साइड सिचुएटेड है अगली चीज ये कि यहां से दो इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड निकलती है एक है इंटरनेशनल डेट लाइन जिसको आप कहते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा और एक है ये वाली लाइन जो कहलाती है 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन कहते हैं आप जिसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं जी प्रियम प्रियंवशा जी इसके अलावा एक चीज और चाहे नॉर्थ पोल हो और चाहे साउथ पोल हो चाहे उत्तरी ध्रुव हो और चाहे दक्षिणी ध्रुव हो यहां पर 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है ये कैसे होता है देखो जब सूर्य की किरणें यहां से विश्वत रेखा से ऊपर की ओर शिफ्ट होने लगती हैं ऊपर की ओर तो यहां दिन हो जाता है यहां पर दिन हो जाता है ऊपर साइड नॉर्थ पोल में और ये जून में पहुंचती है फिर जून के बाद सितंबर तक आती है विश्वत रेखा में फिर से सूर्य की किरणें तो जैसे ही वापस आती है तो इस बीच में छह महीने का टाइम होता है देखो मार्च से मार्च अप्रैल मई जून यह हुआ जुलाई अगस्त सितंबर ये छह महीने ये छह महीने नॉर्थ पोल में तो दिन होता है लेकिन साउथ पोल में इस बीच में रात होती है क्या आपको ये समझ में आ रहा है कैसे कह रहा हूं मैं मैंने जब बेसिक समझाया था ना तो उस टाइम पे मैंने बताया था इसके अलावा इसके अलावा अगर आप ये सूर्य की किरणें सितंबर के बाद नीचे साइड शिफ्ट होने लगती हैं सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर दिसंबर में पहुंच गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में मकर रेखा में दिसंबर के, के बाद जनवरी फरवरी मार्च और ये छह महीने ये छह महीने में नीचे साइड दिन होगा और ऊपर साइड रात होगी तो दोनों पोल्स में हाँ दोनों पोल्स में जब नॉर्थ पोल में दिन रहता है छह महीने के लिए तो उसी टाइम पे साउथ पोल में छह महीने के लिए रात हो जाती है नाइट हो जाती है और जिस टाइम पे साउथ पोल में दिन रहता है डे रहता है उसी टाइम पे छह महीने के लिए नॉर्थ पोल में नाइट होती है रात होती है तो दोनों पोल्स वाले रीजन में छह महीने के लिए दिन होता है और छह महीने के लिए रात होती है दोनों पोल्स में ऐसा होता है ठीक दो इम्पोर्टेंट लॉन्गिट्यूड पास होती हैं तो दो इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड क्यों पास होती हैं सर देख लो ये ग्लोब है ये ग्लोब है इस ग्लोब में यहां पर नीचे साइड है अंटार्कटिका ये अंटार्कटिका है ये जो आपको लाइन दिख रही है जिसमें प्राइम मैरेडियन लिखा हुआ है ये जीरो डिग्री देशांतर रेखा है ये जीरो डिग्री देशांतर रेखा नीचे जाकर साउथ पोल में खत्म हो जाएगी और उसके आगे उस साइड पीछे साइड वाले रीजन में वहां स्टार्ट हो जाएगी वन एट्टी डिग्री लॉन्गिट्यूड एक सौ अस्सी डिग्री देशांतर रेखा वहां से स्टार्ट हो जाएगी और पीछे साइड से घूम के ऊपर तक आएगी यहां तक आएगी ठीक तो दो इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड यहां से पास हो रही है एक है जीरो डिग्री देशांतर रेखा और एक है 180 डिग्री देशांतर रेखा अब अगली चीज ये कि क्या इस यहां से कोई लेटिट्यूट भी पास होती है क्या कोई यहां से अक्षांश रेखा भी निकलती है तो बिल्कुल अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है अंटार्कटिक सर्कल अंटार्कटिक वृत्त ये देखो ध्यान से और अंटार्कटिक सर्कल यहां से पालमर पेनेसुला को टच करते हुए ऐसे पास हो रही है ये अंटार्कटिक सर्कल तो एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा वन इंपॉर्टेंट ट एन विच इंपोर्टेंट लेटीट्यूड सो अंटार्कटिक सर्कल अंटार्कटिक सर्कल अंटार्कटिक सर्कल पास होती है कहां से अंटार्टिका कॉन्टीनेंट से ठीक तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं आप चाहें तो और मैंने स्लाइड में लिखा भी है देखो इतना ये बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पर आप ध्यान से देखो ये ये बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पर ये देखो कौन सी इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड पास होती है तो ये वाली ये जो गोल गोल घूम रही है ये वाली ये वाली पास हो रही और ये वाला देशांतर रेखा है इसके ऊपर साइड जीरो डिग्री है और नीचे साइड वन डिग्री है ठीक वन डिग्री है कितने ओशियन से सराउंडेड है सर ये कितने महासागरों से घिरा हुआ है सर तो ये सदर्न ओशियन से दक्षिणी महासागर से ये घिरा हुआ है सदर्न ओशियन से सराउंडेड है दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ अगर आप यहाँ देखो सदर्न ओशियन है यहाँ पर भी सदर्न ओशियन है यहाँ पर भी सदर्न ओशियन है सो सदर्न ओशियन से सराउंडेड है ये बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ है यहाँ पर ये देखिए ये बहन जी को और ये एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें बहुतायत में पेंगुइन पाए जाते हैं ये पेंगुइन है ना ये पेंगुइन पक्षी है पेंगुइन बर्ड है जो उड़ नहीं सकता ये और ये सबसे बेहतरीन भोजन है सार्क फिश का सार्क मछली सार्क मछली इसको डायरेक्ट खा लेती है नाश्ता कर लेती है ये देखो ये बर्फ के पहाड़ है चारों साइड ये बर्फ के पहाड़ है चारों साइड ये आपको दिख रहे हैं और इसमें हाँ 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 सुनीता जी उसकी बात करेंगे आप ये है पेंगुइन ये जो दिख रहा है ना ये पेंग्विन है ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये पेंग्विन है ये पेंग्विन है लेकिन ये पता है ये क्लाइमेट के लिए इन्वायरमेंट के लिए कहा जाता है कि इनका जो वेस्ट होता है वेस्ट मतलब जो पोट्री होती है इनकी इनके पोटी में फास्फोरस होता है और जो फास्फोरस होता है वो एन्वायरमेंट को गर्म कर रहा है तो कहते हैं ये नुकसानदेह भी है और उसका यूज क्या कर सकते हैं क्या माचिस बना सकते हैं क्या रेड फॉस्फोरस है अब ये तो बाद में रिसर्च का विषय है रिसर्च का विषय है आते हैं थोड़ा सा हम पढ़ते हैं उसके बारे में देखो अंटार्कटिका जो नाम है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का नाम क्या है अंटार्कटिका 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 जो नाम है ये यूनानी लैंग्वेज का वर्ड है जिस, जिसका मतलब है अंटार्कटिके और अंटार्टिके का अर्थ होता है नॉर्थ का अपोजिट नॉर्थ का एंटीपोर्ट उत्तर का एंटीपोर्ट तो नॉर्थ का अपोजिट अंटार्कटिका जो वर्ड है वो यूनानी लैंग्वेज का वर्ड है और जो कि आया है एंटार्कटिके वर्ड से और एंटार्कटिके वर्ड का अर्थ होता है अपोजिट ऑफ नॉर्थ नॉर्थ का अपोजिट ठीक महाद्वीप के लिए अंटार्कटिका नाम पहले एक औपचारिक प्रयोग हुआ 1890 में एक स्कॉटिश नक्शा नवीस जॉन जॉर्ज बार्थोलो ने किया था ऑफिशियल रूप से इसका नाम प्रयोग किया गया था 1890 में और इसको खोज करने का जो श्रेय है इसको जो खोज खोज करने का श्रेय है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को वो कैप्टन जॉर्ज क्लार्क रॉस है को दिया जाता है 1911 में उन्होंने खोजा सर्वप्रथम इस पर जाने का जो प्रयास किया था वो जेम्स कुक ने किया था लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे सफल नहीं रहे अंटार्कटिका की जो मेनलैंड है जो मुख्य भूमि है उसको खोजने का जो श्रेय दिया जाता है वो फेवियन वेलिंग शासन को दिया जाता है अठारह में बोस्टाक जहाज से पहुंचे थे ये बो याद आ गया अंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट को कई अदर 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 नामों से भी जाना जाता है कैसे एक तो ऑस्ट्रेलिया का जुड़वा महाद्वीप कहा जाता है जुड़वा महाद्वीप क्यों कहा जाता है अगर आप अंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट के मैप को ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के जैसे जब मैं आपको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पढ़ा रहा था उस टाइम पे मैंने बताया था कि इसका इसका जुड़वा महाद्वीप

कि देशों के बीच में एक समझौता हुआ और जिसमें समझौता यह हुआ कि कोई यहां पर परमानेंट सेटल नहीं होगा लेकिन जो कंट्रीज हैं जो देश हैं वो अपने अपने रिसर्च सेंटर खोल सकते हैं यहां पर और अपने कुछ साइंटिस्ट को यहां पर रख सकते हैं ऐसे समझौते हुए थे यहाँ पे तो विज्ञान और वैज्ञानिकों को, को समर्पित है ये अगली चीज ये कि इसको डायनेमिक कॉन्टिनेंट भी कहते हैं डायनेमिक मतलब गतिशील महाद्वीप गतिशील क्यों कहते हैं देखो जब ठंड बहुत पड़ती है तो बर्फ की परत बहुत मोटी हो जाती है और जब यहाँ पर ठंड मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है गर्मी टाइप का होने लगता है तो बर्फ क्या होती है पिघल जाती है तो मोटाई क्या होगी कम हो जाएगी क्योंकि इसके बर्फ के आकार में परिवर्तन होता रहता है इसलिए इसको गतिशील कहते हैं डायनेमिक कॉन्टिनेंट कहा जाता है इसे गतिशील महाद्वीप कहा जाता है हाँ यस सुनीता जी इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम पार्ट इसका सदर ओशियन से दक्षिणी महासागर से सराउंडेड है घिरा हुआ है लेकिन थोड़ा बहुत इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशन से भी सराउंडेड है इसके पास में दो प्रमुख सागर है दो प्रमुख सी है एक का नाम है वेडल सी और एक का नाम है रॉस सी देखो यहाँ नीचे साइड अगर आप देखोगे एटलस में भी अगर आप देखोगे अंटार्टिका कॉन्टिनेंट में तो यहां पर मिलेगा आपको रॉस सागर और ऊपर साइड मिलेगा वेडलसी वेडल सागर यहां पर मिल गया क्या और अभी मैं आपको बताऊंगा कि रॉन आइस से एक ए सेवेंटी आइसबर्ग ब्रेक हुआ था टूट गया था जो कि न्यूज में भी रहा है मैं आपको बताता हूं उसको बताऊंगा हाँ अब एक चीज और यहां पर जो पेड़ होते हैं जो वृक्ष होते हैं वो सामंता होते नहीं लेकिन जो भी होते हैं वो इस टाइप के होते हैं क्रिसमस ट्री के टाइप के होते हैं या कौन सेप के होते हैं कौन सेप ये प्रकृति का बहुत सुंदरता है प्रकृत इतनी खूबसूरत सूरत है और प्रकृत जो भी चीज डिसाइड करती है वो बहुत सोच समझ के करती है आप अगर इमेजन करिए कि अगर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में आम जैसा पेड़ हो पीपल जैसा वृक्ष हो बहुत विशाल का ऐसे पीपल जैसा हो आम के जैसा वैसा तो जब यहां पर यहां पर जब बर्फ गिरेगी यहाँ पर जब बर्फ गिरेगी तो ये पूरे के पूरे इसके जो पेड़ है उसके ऊपर यहाँ पर बर्फी बर्फ जम जाएगी और बर्फी बर्फ जम जाएगी तो ये पेड़ टूट जाएगा इसकी डाल टूट जाएगी होगा ऐसा लेकिन ये अगर कौन सेब का है तो इसमें बर्फ जमने के चांसेस ही नहीं है इसके टूटने के चांसेस ही नहीं है तो बहुत खूबसूरत है प्रकृति बहुत खूबसूरत है और प्रकृति ही डिसाइड करती है कि कहां पर कैसे पेड़ होंगे बहुत शानदार यहाँ पर कोई स्थायी बस्ती नहीं है जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है कोई स्थायी बस्ती नहीं है यहाँ पर और 98 एट परसेंट आइस से कवर्ड है मैंने आपको बताया टू परसेंट ऐसा एरिया है यहाँ पर जो आइस से कवर्ड नहीं होता है और वो भी गर्मी के मौसम में वो है पालमर वाला रीजन पालमर वाला रीजन जो है वो कुछ समय के लिए बर्फ से मुक्त हो जाता है मुक्त रहता है ज्योग्राफी के कितने लेक्चर हो गए आप देख लीजिएगा प्ले लिस्ट बनी हुई है इस लेक्चर का इस लेक्चर को देख लीजिएगा प्ले लिस्ट बनी हुई है प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा मेरे समझ से पंद्रह या बीस नंबर का लेक्चर है ये ऐसे ही कुछ होगा फिर मैंने आपको बताया कि छह महीने दिन होता है और छह महीने रात होती है मैंने अभी जस्ट बताया कि नॉर्थ तो पोल में छह महीने का अगर दिन रहता है तो साउथ पोल में छह महीने रात रहेगी अगर साउथ पोल में छह महीने का दिन है तो नॉर्थ पोल में छह महीने की रात होगी यहां पर जो बर्फ की परत है उसकी जो मोटाई है वो लगभग दो किलोमीटर से पंद्रह किलोमीटर तक की मोटाई है इसका मतलब ये है कि आप जैसे खुदाई करना स्टार्ट करोगे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में जाने के बाद यहां जाने के बाद आप जैसे खुदाई करना स्टार्ट करोगे ना यहां कहीं पर ये जो दीदी बहती हुई है इन दीदी के आसपास यहां पर कहीं पर खुदाई करना स्टार्ट करोगे तो हो सकता है कि पंद्रह किलोमीटर नीचे तक गहराई तक आपको बर्फी बर्फ मिले ऐसा हो सकता है ठीक है और कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि दो किलोमीटर तक में ही बर्फ खत्म हो जाएगी तो दो से पंद्रह किलोमीटर की गहराई तक आपको बर्फ ही बर्फ मिल जाएगा इसके नीचे ये दक्षिणी ध्रुव इसी के अंदर आता है तो हाँ बिल्कुल आता है इसी इसी के अंदर दक्षिणी ध्रुव आता है मैंने आपको जस्ट दिखाया था अभी कि ये पूरा का पूरा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है लेकिन साउथ पोल ये है ये साउथ पोल है ये पूरा का पूरा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है लेकिन ये जो सेंटर में है ये साउथ पोल है <laughs> दीदी को बहुत ठंड लग रही है दीदी तो फोटो खिंचाने के लिए बैठी हुई नहीं दो मिनट में खड़ी हो जाएंगी दीदी महाद्वीप से होकर दो प्रमुख अक्षांश देशांतर रेखाएं पास होती हैं जीरो डिग्री और वन डिग्री और एक इंपॉर्टेंट लेटिट्यूड अंटार्कटिक सर्कल पास होती है यहाँ से मैंने आपको बताया अंटार्कटिका की संधि हुई थी जो मैं एक ट्रीटी की बात कर रहा था जो एक समझौते की बात कर रहा था कि देशों के बीच में जो समझौते हुए थे कि यहां पर कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं होगा वो संधि हुई थी 1959 में देशों के बीच में यूएसए रसिया हाँ पिघल गया पिघल गया वो वाला पिघल गया पिघल गया सुनीता जी यहाँ पर जो एवरेज रेनफॉल होती है वो मैंने आपको बताया कि लगभग 20 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है यहाँ पर और यहाँ पर जो सबसे ठंडा स्थान है वो है बोस्टो माइनस नाइनटी डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है माइनस नाइन्टी मतलब कि अगर आप ऐसे ऊपर करके थूके ऐसे थूके तो थूक नीचे नहीं गिरेगा बर्फ गिरेगी नीचे साइड या कुछ भी पानी पी रहे गर्म गर्म पानी है बिल्कुल ऐसे उछाल दिए बिल्कुल उबलता हुआ पानी है और आप अगर ऐसे उछाल दिए उसको तो नीचे साइड बर्फ गिरेगी ऐसा होगा ठीक वो जो बोस्टोक प्लेस है वहां पर रसिया का रिसर्च सेंटर है जो सबसे ठंडा स्थान माना जाता है अंटार्कटिका में बोस्टोक को सबसे ठंडा स्थान माना जाता है मैं आपको दिखाता हूं रसिया का रिसर्च सेंटर भी है वहां पर माइनस नाइनटी डिग्री सेल्सियस तापमान है वहां का ये देखिए ये जो बोस्टोक है ये 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 बोस्टोक है ये जो वोस्टोक है ये ये वोस्टोक है और यहां पर बहुत ठंड रहती है भयानक टाइप की माइनस नाइनटी फाइव डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है यहां पर ठीक है आगे बढ़ता है शुष्क यहां पर शुष्क क्षेत्र होगा हाँ बिल्कुल स्वाभाविक से बात है जहां ठंड ज्यादा होती है ना जहां ठंड ज्यादा होती है वहां का जो क्लाइमेट होता है वो ड्राई होता है शुष्क होता है ठंडा क्षेत्र है मरुस्थली क्षेत्र वाला महाद्वीप है बिल्कुल मरुस्थली क्षेत्र है मैंने आपको बताया कि किसी भी क्षेत्र को अगर डेजर्ट कहना है मरुस्थल कहना है, तो वहां तेईस सेंटीमीटर से कम पानी गिरना चाहिए और यहां तो बीस सेंटीमीटर पानी गिरता है इसका मतलब डेजर्ट बहुत है वो मापने के लिए होता है संस्कृति जी एक वर्षा मापी यंत्र आता है आपने घर में जग देखा है जग जिसमें पानी भरते हैं जग में उसी टाइप का एक बीकर होता है वर्षा मापी यंत्र होता है और उसमें लिखा होता है सेंटीमीटर या ऐसे कुछ होता है ऐसे ऐसे टाइप का होता है वो ऐसे टाइप का मोहड़ा में थोड़ा सा ऐसे सकरा होता है जिससे पानी बहुत इजीली ना जाए और इसको छत पर रख देते हैं और इस पर लिखा होता है एक सेंटीमीटर दो सेंटीमीटर तीन सेंटीमीटर चार सेंटीमीटर ऐसा और उस पर जैसे पानी भर गया जैसे मान लीजिए आज वर्षा हुई तो आज इसमें एक सेंटीमीटर पानी भर गया फिर कल भी चेक किया बरसात के मौसम में ये चेक करते हैं अधिकतम वर्षा के मौसम में या किसी भी सीजन में तो ये चेक करते हैं कितना और फिर बताते हैं कि इस साल की जो औसत वर्षा रही है वो इतने सेंटीमीटर डेली डेली का कर करके कैलकुलेट करके, करके फिर एवरेज निकाल के बता देते हैं कि इस साल की औसत वर्षा ये रही है वर्षा के मौसम में ठीक ऐसी हर एक साल की वर्षा कंक्लूड जब की जाती है एवरेज निकाला जाता है और पिछले लगभग 40 से 45 साल का जब निकाल के काउंट करके किया जाता है तो फिर कहा जाता है कि यहां की एवरेज रेनफॉल इतनी है यहाँ की एवरेज रेनफॉल इतनी है तो वो लगभग पिछले 40-45 साल का काउंट करके बताते हैं जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि यहाँ की औसत वर्षा बीस सेंटीमीटर है तो ये औसत वर्षा किस साल की औसत वर्षा है किस साल की नहीं है बल्कि ये पिछले 40 से 45 साल का इन्होंने काउंट किया होगा और फिर उसका एवरेज निकालकर इन्होंने बताया कि 20 सेंटीमीटर यहां की औसत वर्षा है क्या संस्कृत जी आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिला मेरे समझ से मिल गया होगा और कोई डाउट नहीं होगा एक वर्षा मापी अंतर आप देख लीजिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वीन मार्ट पर्वत इस महाद्वीप को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है मैं आपको दिखा देता हूं क्वीन मार्ट जो पर्वत है वो इस कॉन्टिनेंट को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है आपको मिल जाएगा क्वीन मार्ट पर्वत इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन आपके एटलस में आपको जरूर मिलेगा क्वीन मार्ट पर्वत ऐसे करके है वो ऐसे ऐसे है क्वीन मार्ट पर्वत तो एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये जो कि ईस्टर्न अंटार्कटिका बन जाता है और वेस्टर्न अंटार्कटिका बन जाता है यहाँ पर क्वीन मार्ट लिखा होगा तो क्वीन क्वीन मार्ट जो माउंटेन है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न अंटार्कटिका को डिवाइड करता है मिल गया बहुत शानदार जो लोग जो लोग एटलस खोल के पढ़ रहे हैं उनको मिल जाएगा इजिली और जो लोग एटलस खोल के नहीं पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं <laughs> चलिए यहां पर एक एक्टिव एक्टिव वॉल्नो है जिसको कहा जाता है माउंट अरेवस माउंट अरेवस यहाँ का एक्टिव वॉल्केनो है जिसकी हाइट 3794 मीटर है और डल्स बर्थ यहाँ का सबसे ऊंची चोटी में जो माउंटेन रेंज है डल्स बर्थ माउंटेन रेंज है जिसकी सबसे ऊंची चोटी है विंसन मैसि और यही अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है यही इसके अलावा यहाँ पर देखो आपको किसी ने बताया होगा कि इस पृथ्वी में इस अर्थ में जितना पानी है जितना वाटर है उसका 98 एट परसेंट पानी तो पीने योग्य नहीं है क्यों नहीं है पीने योग्य क्योंकि ये महासागर या सागरों में पानी है और महासागर और सागर का पानी खारा होता है दो परसेंट पानी ही पीने योग्य है इस पृथ्वी में अब इस दो परसेंट पानी में से जो फ्रेश वाटर है वो नाइन्टी एट परसेंट पानी दो परसेंट पानी का नाइनटी एट परसेंट जो वाटर है जो पानी है वो आपको ग्लेशियर के रूप में मिलेगा बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में मिलेगा ठीक और इसका दो परसेंट एरिया दो परसेंट पानी ही जो आपको नदियों में मिल जाता है झीलों में मिल जाता है फ्रेश वाटर के रूप में वो दो परसेंट एरिया है इसका अब जो ग्लेशियर है इस पृथ्वी में जितने ग्लेशियर हैं उसका नब्बे प्रतिशत ग्लेशियर नाइंटी परसेंट ग्लेशियर आपको पोल्स में मिलेगा यह तो उत्तरी ध्रुव में मिल जाएगा या तो दक्षिणी ध्रुव में और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में दोनों में अगर कंपेयर करें तो तो लगभग ग्लेशियर आपको दक्षिणी ध्रुव में मिल जाएगा अर्थात अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के आसपास ही बर्फ के बड़े बड़े जो पहाड़ दिख रहे हैं इसमें मिल जाएगा हाँ, यस सुनीता जी तो यहां पर मिल जाएगा इस रूप में मिल जाएगा ये फ्रेश वाटर है ये पी सकते हैं आप यहां पर ठीक अब आगे बढ़ते हैं हम तो सबसे बड़े मीठे पानी का स्रोत माना जाता है नाइनटी परसेंट जो फ्रेश वाटर है वो अंटार्कटिका में मिल जाएगा आपको आइसबर्ग के रूप में बड़े बड़े ग्लेशियर के रूप में मिल जाएगा नॉर्वे के एक खोज करता है रोवालन एमुंडसेन रोवाल दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले विश्व के पहले व्यक्ति माने जाते हैं और एमुंडसेन का नाम सुना होगा आपने एमुंड सेन चौदह दिसंबर 1911 को यहां पर पहुंचे थे अपने साथियों के साथ लेकिन पहला पैर इन्होंने ही रखा था एमुंड इसलिए एमुंड का नाम आता है इनके साथ और कौन से लोग थे सर तो हेलमर हेनसेन थे आस्कर विसिंग थे और सरवरे हसेल थे इनके साथ में थे जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले व्यक्ति थे ठीक अंटार्क्टिका पर अकेला पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था तो न्यूजीलैंड के डेविड हेनरी लुइस थे जो अंटार्कटिका पर अकेले पहुंचे थे अपने साथियों के साथ नहीं आए थे बल्कि अकेले आए थे अगर भारतीय ग्रुप में बात करें अगर इंडियंस की बात करें तो इंडियंस में कौन पहुंचा था साउथ पोल में तो गिरिराज सिरोही उत्तर प्रदेश बुलंदसर से रिलेटेड है ये 1960 के आसपास पहुंचे थे और अंटार्कटिका पहुंचने वाले ये तो साउथ पोल की बात कर रहे हैं गिरिराज सिरोही साउथ पोल में पहुंचे थे अंटार्कटिका पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे रामचरण जी थे पहले भारतीय अब थोड़ा सा हम बात करते हैं अकेडमी में जो नए नए बैचेज चल रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन दे देते हैं क्योंकि कई सारे लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए थी देखो अन बैचेज चल रहे हैं और कुछ बैचेज अभी स्टार्ट होने वाले भी हैं यहां पर ठीक जैसे अगर हम बात करें झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 का बैच चार जनवरी से स्टार्ट हो गया है मध्य प्रदेश पुलिस एस बैच चार जनवरी से स्टार्ट हो चुका है जो डीएसएसबी जूनियर असिस्टेंट एल बैच दो है वो भी चार जनवरी से स्टार्ट हो चुका है डीएसएसबी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बैच ये भी स्टार्ट हो चुका है चार जनवरी से और बिहार विधानसभा सुरक्षा गार्ड जो लोग देना चाहते हैं चार जनवरी से स्टार्ट हो चुका है उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर ये बैच चार जनवरी से स्टार्ट हो चुका है मतलब कल की ही बात है ये और एम पी प्लेम्स और मेम दो का पूरा फाउंडेशन बैच इक्कीस दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है हरियाणा का बिहार जो हरियाणा पीएससी है उसका प्लेम्स एमसीक्यू बैच स्टार्ट होगा आठ जनवरी से स्टार्ट होने वाला है इस सब में आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं जिससे आपको एक भारी वर्कम छूट भी मिल जाएगी यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पीसीएस के थ्रू जो आरओ और एआरओ की वैकेंसी आती है उसका एमसीक्यू बैच आठ जनवरी से स्टार्ट होने वाला है और यूपीपीसीएस का जो एमसीक्यू बैच है वो भी आठ जनवरी से स्टार्ट होने वाला है एमपीपीएससी मेंस 2023 का पूरा बैच कंप्लीट बैच 20 दिसंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और उत्तर प्रदेश पुलिस का बैच 29 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है ये कुछ बैचेज हैं जो बहुत शानदार बैच हैं आप चाहें जो लोग सीरियस हैं वो चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं पढ़ सकते हैं अवेल कर सकते हैं मेरा रेफरल कोड यूज करिएगा मेरा रेफरल कोड है है ये लिखा हुआ है यहाँ पर आप इसको प्रयोग करेंगे तो आपको एक छूट और मिल जाएगी आगे अभी चलते हैं अभी और क्लासेस हैं डॉली जी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है रीना कौशल धर्म शक्तु ये आपने मिसलीस में पढ़ा होगा अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला तो मेहर मूसा देखो दक्षिणी ध्रुव और अंटार्कटिका दोनों में अंतर है अंटार्टिका कॉन्टिनेंट है और दक्षिणी ध्रुव इसी के सेंटर में है यहां पर साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला का नाम बताइए तो फ्रेंड फिफे कनाडा से हैं ये और अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली महिला विश्व की वो है कैरोलिन मिकेलसन अब आते हैं थोड़ी सी अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में 2023 वाला स्टार्ट हुआ है 21 दिसंबर से नीतू जी मेंस का कॉन्टिनेंट में एक लेक है उसका नाम है विदा लेक एक झील पाई जाती है विदा झील मैं आपको दिखाता हूं इस विदा झील में इस विदा लेक में एक फिश पाई जाती है जिसको कहा जाता है क्रिल फिश क्रिल मछली मैं आपको दिखाता हूं वो लेक ये जो लेक है ये वाली ये लेक है विदा लेक ये यहां पर लिखा हुआ है ये देखिए यह है विदा लेक ये ये वाली विदा लेक है और इस पर एक फिश पाई जाती है जिसे कहा जाता है क्रिल फिश क्रिल मछली इसी में पाई जाती है फिश कैसे दिखती है ये देख लीजिए यह है क्रिल फिश ये है करेल फिश ये ट्रांसपेरेंट भी होती है देख लो ये और कहते हैं इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा रहती है इस पे और विटामिन ए तो रहता ही है फिश में आपको पता है चाइनीज लोग सबसे ज्यादा खाते हैं इसे सबसे ज्यादा और इसका व्यापार भी करते हैं कई सारे लोग चाइनीज लोग तो पाल के भी रखे हुए अपने यहाँ तो ये जो क्रिल फिश है ये विदा लेक में ही पाई जाती है यहाँ कहीं पर है वो और अब बात करते हैं मैंने कहा कि काफी सारे यहां पर रिसर्च सेंटर हैं अलग अलग देशों के तो भारत के तीन रिसर्च सेंटर यहां पर थे देखो एक था दक्षिण गंगोत्री लिखा होगा आपको मिल जाएगा ये आपको मिल जाएगा दक्षिण गंगोत्री मिल जाएगा उन्नीस में स्थापित किया गया था भारत का पहला रिसर्च सेंटर है इंडिया का फर्स्ट रिसर्च सेंटर है उन्नीस में दक्षिण गंगोत्री यहां पर दूसरा मैत्री 1989 में स्थापित हुआ था इसी के यहाँ पर और तीसरा है भारती 2012 जो कि सबसे अंतिम रिसर्च सेंटर है यहां पर देखो वर्तमान में दो ही एक्टिव हैं इस पे एक खत्म हो चुका है जो दक्षिण गंगोत्री है ये एक्टिव नहीं है अब वर्तमान में केवल मैत्री और भारतीय रिसर्च सेंटर है भारतीय यहां पर मिल जाएगा आपको भारतीय में नहीं मिलेगा अगर आप एटलस में खोजने की का प्रयास करेंगे भारती को तो आपको ये नहीं मिलेगा लेकिन दक्षिण गंगोत्री और मैत्री ये दोनों आपको एट्लस में मिल जाएंगे ये दोनों के दोनों ये नहीं मिलेगा तो ये आप देख लेना यहां पर यहां पर है ठीक है तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि अंटार्कटिका में भारत का पहला रिसर्च सेंटर बताइए तो आप बताइएगा दक्षिण गंगोत्री कब स्थापित हुआ था चौरासी में दूसरा रिसर्च सेंटर बताइए 1989 में और सबसे लास्ट रिसर्च सेंटर बताइए अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में भारत का तो वो है 2012 में भारती तो आप ये बता दीजिएगा वर्तमान में कितने एक्टिव हैं अगर कोई पूछे तो वर्तमान में दो ही एक्टिव हैं रिसर्च सेंटर एक नहीं है दक्षिण गंगोत्री नहीं है मैत्री और भारतीय एक्टिव है अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल दक्षिण गंगोत्री की बात कर लेते हैं देखो अगर आप दक्षिण गंगोत्री को देखना चाहते हो तो ये दक्षिण गंगोत्री है ये ये दक्षिण गंगोत्री है ये ध्यान से देखो ये भारतीय रिसर्च ये रिसर्चर है साइंटिस्ट है ये और ये देखो यहाँ दक्षिण गंगोत्री लिखा हुआ है ये ये थोड़ा सा अंडरग्राउंड है बर्फ से ढका हुआ है ढक गया वहां पर बनाया गया था और धीरे 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 बर्फ छत के लेवल पर आ गई है तो कहा जाता है कि इसके अंदर अब जाने के लिए यहाँ पर सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है फिर अंदर साइड सीढ़ी है उतर के अंदर चले जाते हैं और यहाँ टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी होता है और स्पेशल यहाँ पर कुछ ड्रेस होते हैं सूट होते हैं जिसके कारण इनको ठंड नहीं लगती है नहीं तो इतनी ठंड होती है कि इनके जो शरीर में ब्लड है वो क्लॉट हो जाए वो जम जाए और आपको पता है कि अगर शरीर में ब्लड जम जाएगा ना ब्लड क्लॉट हो जाएगा ना तो व्यक्ति दो मिनट भी जीवित नहीं रह पाएगा मतलब जब तक ऑक्सीजन है शरीर में तब तक रहेगा इसके बाद बस खत्म ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो समाप्त हो जाएगा इंसान ठीक तो बहुत ठंडी हुई है यहाँ पे भयानक टाइप की दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारत का पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन है जो भारतीयों को अंटार्कटिका कार्यक्रम का हिस्सा बनाता है ठीक है और दक्षिणी ध्रुव से लगभग 2500 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है ये इसकी स्थापना 26 जनवरी उन्नीस को हुई है और यह सेवा मुक्त कब हुआ कब से इसे इनएक्टिव डिक्लेयर किया गया था तो 25 फरवरी 1990 को इसे सेवा मुक्त घोषित कर दिया गया अर्थात कह दिया गया कि अब ये नहीं रहेगा ये देख लो आप थोड़ा सा ऊपर से देख लो सेटेलाइट से यह आप देख सकते हो ये है भारत के रिसर्च सेंटर ठीक अब बात करते हैं मैत्री की ये मैत्री है ये आपको जी दिख रहा है ये मैत्री है और मैत्री के जस्ट सामने यहीं पर इसी के जस्ट सामने ए, एक लेक मिल गई थी एक झील मिल गई थी ये वाली झील इसी झील का नाम रख दिया गया था इंदिरा प्रियदर्शनी लेक तो इंदिरा प्रियदर्शनी लेक कहाँ है विश्व में तो यह है कॉन्टिनेंट में यहां पर मीठे पानी की झील है मैत्री के जस्ट सामने है मैत्री अनुसंधान केंद्र है भारत का और दूसरा अनुसंधान केंद्र है ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में इसी के जस्ट सामने इंदिरा गांधी जी के बचपन का नाम प्रियदर्शनी जो लेख है वो उस नाम पर यहाँ पर मीठे पानी की झील है एक घोषित किया गया है क्या क्या रिसर्च होते हैं सर तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में होते हैं पृथ्वी विज्ञान ग्लेशियोलॉजी वायुमंडली विज्ञान मौसम विज्ञान शीत चेत इंजीनियरिंग संचार मानव शरीर विज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारी यहां पर रिसर्च करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है मशीने हैं और इसकी स्थापना कब हुई है तो जनवरी उन्नीस में हुई है मैत्री अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई ये देख सकते हैं आप ये ये मैत्री है और ये जो आपको बड़ी सी लेक दिख रही है ये वाली ये झील ये इंदिरा प्रियदर्शनी लेक है ये फ्रेश वाटर लेक है क्योंकि बर्फ है तो बर्फ में फ्रेश वाटर ही होता है यहाँ पर ये ये फ्रेश वाटर लेक है और इसका नाम इंदिरा गांधी जी के नाम पर रखा गया है इंदिरा प्रियदर्शनी क्योंकि आपको पता है कि इंदिरा गांधी जी की डेथ होती है उन्नीस में और जिस समय इसकी स्थापना होती जो पहला रिसर्च सेंटर था वो इंदिरा गांधी जी की ही देन थी ये जो बात दक्षिण गंगोत्री है ये देन इंदिरा गांधी जी की थी क्योंकि 26 जनवरी उन्नीस सौ स्थापना हुई थी लेकिन जब दूसरा रिसर्च सेंटर भारत का स्थापित हुआ वहां त्याटिका में उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई थी उन्नीस के दिसंबर में डेथ हो जाती है आपको पता है और इसके बाद राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो राजीव गांधी जी ने उन्हीं को डेडिकेटेड करते हुए एक लेक का नाम अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में रखा जो कहलाया इंदिरा प्रिय दर्शनी लेक जो कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में आप किसी से भी पूछ लो कोई भी कितना पढ़ने वाला व्यक्ति हो अगर आप उससे ये पूछ लो कि बताओ भारत को छोड़कर विश्व में ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां पर इंदिरा दर्शनी लेक इंदिरा गांधी जी के नाम पर एक झील है मीठे पानी की फ्रेश वाटर लेक है किसी भी हाल में नहीं बता पाएगा आप गारंटी के साथ हम कह सकते हैं लेकिन आप लोग आप बता देंगे चूंकि आप लोगों ने पढ़ लिया अभी जस्ट ठीक अब आते हैं भारती भारती भारत का तीसरा रिसर्च सेंटर है और एक्टिव होने में दूसरे नंबर पर है क्योंकि दूसरा सक्रिय है पहले वाला वो जो सक्रिय था वो समाप्त हो गया है भारतीय अनुसंधान केंद्र 18 मार्च 2012 को स्थापित किया गया यहाँ पर और भारतीय अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र माना जाता है तीसरा अनुसंधान केंद्र है भारत की नदियों के बेसिन की चट्टाने खनिज पदार्थों में मैन पहाड़ी की चट्टानों और खनिज पदार्थों की रिसर्च करने के लिए इसकी स्थापना की गई है बहुत आधुनिक है सबसे आधुनिक है ये वाला अगर आप देखें ये ध्यान से देखें तो ये बहुत आधुनिक है बहुत शानदार है बहुत खूबसूरत है ये थे। ठीक तो ये तीसरा रिसर्च सेंटर है अब ये तो बात हुई कि दक्षिणी ध्रुवों पर या अंटार्कटिका पर देखो अंटार्कटिका कहाँ है अंटार्कटिका नीचे है पृथ्वी में ग्लोब में साउथ पोल की ओर है ये अंटार्कटिका है ये ये नीचे साइड है अंटार्कटिका है ना अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर क्या भारत के कोई रिसर्च सेंटर नॉर्थ पोल की ओर भी हैं क्या उत्तरी ध्रुव की ओर भी हैं सर तो हाँ भारत के कुछ रिसर्च सेंटर आपको नॉर्थ पोल की ओर भी मिल जाएंगे उत्तरी ध्रुव की ओर भी मिल जाएंगे स्पेशली दो रिसर्च सेंटर आपको मिल जाएंगे ऊपर साइड नॉर्थ पोल में इधर ये ये वाले रीजन में आपको दो रिसर्च सेंटर भारत के मिल जाएंगे ठीक अब हम आपको बता देते हैं एक का नाम है इंदार्क एक का नाम है इंदार्क और एक का नाम है हिमाद्री नॉर्थ पोल में उत्तरी ध्रुव में भारत के दो रिसर्च सेंटर हैं दो रिसर्च सेंटर हैं भारत के एक का नाम है हिमाद्री जो नॉर्थ पोल में सिचुएटेड पहला रिसर्च सेंटर है और दूसरा है इंडार्क जो 2014 में स्थापित हुआ था ये अगर आप देखो तो ये नॉर्वे वाला जो लैंड है यहां पर मिल जाएगा आपको हिमाद्री और इंदार्क दोनों आसपास में ही है पड़ोस पड़ोस में ही है यहाँ पर हिमाद्री यहाँ का पहला रिसर्च सेंटर है एक जुलाई 2008 को पृथ्वी विज्ञान मंत्री के द्वारा इसका इनोग्रेशन किया गया था अच्छा एयरपोर्ट की तरह दिख रहा है इसे जून 2008 में दूसरे अंटार्कटिका अभियान के दौरान स्थापित किया गया था और हिमाद्री के कार्यों में जो फ्योर्ड नॉर्वे के किनारे किनारे जो फ्योर्ड कोस्ट पाया जाता है उस पर निगरानी रखने के लिए साथ ही साथ वायुमंडलीय अनुसंधान करने के लिए इसे स्थापित किया गया था इसके अलावा भी बहुत सारे इसके उद्देश्य हैं अंतरिक्ष पर रिसर्च करना ग्लेशियर पर करना गतिशीलता जो मौसम की गतिशीलता है उस पर रिसर्च करना ये सारी चीजों के लिए किया गया था अब हम आते हैं उस न्यूज पर जिसको सुनीता जी कह रही थी अभी मैंने आपको बताया कि एक आइस जो आइस बर्ग था वो क्या हुआ ब्रेक हो गया आइस बर्ग जो था वो ब्रेक हो गया आइस बर्ग मतलब होता है बर्फ का पहाड़ बर्फ का पहाड़ एक टूट गया कितना बड़ा था तो इसकी लंबाई जो है वो 174 किलोमीटर की लंबाई है ये यहां से स्टार्ट होता है ये तक और इसकी जो चौड़ाई है एवरेज वो लगभग 25 किलोमीटर की चौड़ाई है इसकी ये यहां से यहां से इस आइसबर्ग से टूटा और टूट करके ये जाकर गिर गया किस पर बेडल सागर पर मैंने आपको जस्ट बेडल सागर दिखाया था ऊपर साइड सी और सी यहां पर दिखाया था यहां पर सी है और यहां पर रोसी है तो यहां पर जाकर ये गिर गया ठीक अब क्या हुआ? इससे क्या हुआ इससे हुआ हुआ इससे इससे ये कि कहा गया कि अगर मान लीजिए कोई जहाज यहां पर पहुंचे तो वो जहाज तो इससे टकरा जाएगा और इससे टकरा जाएगा तो उस पर टूट फूट बहुत होगी टूट फूट बहुत होगी तो डूब जाएगा टकराने के बाद डूब जाएगा अब हालांकि ये आइसबर्ग इस आइसबर्ग को नाम दिया है ए सेवेंटी सिक्स ये कब की बात है सर तो मेरे समझ से 2023 के मई की बात है 2023 में मई के आसपास ऐसा हुआ था ये रॉन आइस सेल्फ था ये रॉन आइस सेल्फ था इसी आइस सेल्फ से ये टूट कर एक टुकड़ा जाकर गिर गया जिसको आइसबर्ग कहते हैं देखो आइस सेल्फ होता है बर्फ का पहाड़ जब उससे वो टूटता है कोई टुकड़ा तो वो कहलाता है आइसबर्ग जो पानी में तैरने लगे उसको कहते हैं आइसबर्ग तो ये आइसबर्ग जाके तैरने लगा किस पर वेर सागर में सी में अब आपको हम एक बार सी भी दिखा देते हैं सागर भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं ये सी है मैंने जस्ट स्टार्टिंग में बताया था ये सी है यहां पर और यहां रॉन आइस सेल्फ था ये यहां से ये टूटकर यहां से ये टूटकर जाकर गिर गया सी में हालांकि अब वर्तमान में यह अस्तित्व में नहीं है क्योंकि आपको पता है कि कोई भी बर्फ जब पानी में तैरता है तो वो कुछ समय के बाद डिजोल्व हो जाता है पिघल जाता है समाप्त हो जाता है मेल्ट हो जाता है ठीक है तो ये हुआ आज का अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट अब आप में से अगर किन्हीं का भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे अगर पूछना है तो चलिए तो एनकेडमी में 7 जनवरी 2023 को एक फ्री ऑनलाइन टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए 7 जनवरी 2023 को और 11 बजे अगर आपको इसे अवेल करना है एनरोल करना है फ्री में है ये कोई भी चार्ज नहीं है धन्यवाद प्रिया जी कोई भी चार्ज नहीं है फ्री में है अवेल करना है आप मेरा रेफरल कोड डाल दीजिए उस पर ए के एम पी पी एस सी फ्री में हो जाएगा फ्री में आप कर लीजिए इसे ज्वाइन इसके अलावा UPSC, और, में। टोटल टेस्ट मिलेंगे और भी किया जाएगा टॉप एजुकेटर के द्वारा फुल एन टेस्ट सीरीज उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए 7 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है दोपहर बारह बजे और मात्र निन्यानवे रुपए में केवल निन्यानवे रुपए में अन के काफी सारे लर्नर ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं और लगातार सेलेक्ट हो रहे हैं आपके सामने एक बानगी है दिव्या सिकरवार जी हैं यूपीपीसी में रैंक फर्स्ट में आई हैं ये अनकेडमी की ही लर्नर हैं हाँ ये बैच मेंस के लिए हैं कौन सा बैच मेंस के लिए है राहुल जी इसके अलावा अनकेडमी में चौबीस महीने बारह महीने छह महीने और तीन महीने के सब्सक्रिप्शन उपलब्ध हैं अगर आप चौबीस महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं चौदह तो हजार नौ सौ निन्यानबे रुपए हालांकि सारे कोर्सेस में अभी छूट है भारी भरकम और ये कैसे अवेल कर सकते हैं सर कुछ भी मत करिए प्ले स्टोर में जाइए अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए अपना मोबाइल नंबर डालिए ओ टीपी पहुंचेगी आपके मोबाइल नंबर पर उसे वेरीफाई करिए कैटेगरी चूज करिए नॉर्थ इंडिया स्टेट एग्जाम ये कैटेगरी और आप अपनी भाषा चुन लीजिए हिंदी इंग्लिश या हिंग्लिश ये भाषा चुन लीजिए यहाँ पर अनअकेडमी में ऑलरेडी बहुत सारे प्लेम्स मेंस और एस SI आई या वनडे एग्जाम के बैचेज स्टार्ट हैं ऑलरेडी तो आप देख सकते हैं या मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे पूछ सकते हैं हाँ दोनों होगा दोनों कवर होगा इसके अलावा एक चीज और है मैं इस कैटेगरी में सोमवार से क्लासेस लूंगा नॉर्थ इंडिया स्टेट एग्जाम अब अभी तक केवल संडे तक मैं एमपीपीएससी कैटेगरी में क्लास लूंगा संडे तक केवल मंडे से सोमवार से मेरी सारी क्लासेस इसी कैटेगरी में स्टार्ट हो जाएंगी नॉर्थ इंडिया स्टेट एग्जाम कैटेगरी में सोमवार से जब स्टार्ट होगी तो एक बार हम आपको बताएंगे कि हम उस कैटेगरी में जा रहे हैं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है कुछ भी मत नहीं करना है आपको केवल कैटेगरी चेंज करना है केवल कैटेगरी चेंज करके आपको वहां पहुंच जाना है प्लस भी हो सकता है अभी प्लस नहीं अभी तो स्पेशल क्लास ही रहेगी नॉर्थ इंडिया स्टेट एग्जाम में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहेगी लेकिन प्लस की क्लासेस भी जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है नए बैचेज लॉन्च होने वाले हैं तो उन बैचेज में मैं आपको मिलूंगा एथिक्स की क्लासेस लेकर और ज्योग्राफी की क्लासेस लेकर उन बैचेज में मिलूंगा हाँ रानी जी बिल्कुल कौन सी क्लास YouTube की क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी जो YouTube में मेरी क्लासेस हैं ये चलती रहेगी और जो अगर हम कैटेगरी भी चेंज होता है मेरा मैं कैटेगरी उस कैटेगरी में जाता हूं तो भी वही क्लासेस हमारी चलती रहेंगी जो यहाँ हम ले रहे थे ना वही क्लासेस हम कंटिन्यू वहां पर करेंगे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है आप भरोसा रखिए हम आपके बेहतरी के लिए कार्य करेंगे अनकेडमी आपकी बेहतरी के लिए कार्य करती है और हम सब प्रयास करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो किसी भी कंडीशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अब हम आपसे मिलते हैं रात नौ बजे एथिक्स की क्लास लेकर एथिक्स की क्लास लेकर शुक्रिया आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद